चाइना में 2022 साल को क्या नाम दिया गया है? ईयर ऑफ द टाइगर, जब 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी का वाकया हुआ था उस वक्त हिंदुस्तान का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। याद रहे इस वाकये में पुलिस के 18 सिपाहियों को थाने की इमारत के अंदर जिंदा जला दिया गया था। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालक चौधरी रहमत अली कब फौत हुए? 3 फरवरी 1951 को। चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में दफन है। चाइना में मनक़द होने वाले विंटर ओलंपिक्स 2022 की तारीखें क्या हैं? 4 फरवरी 2022। बीजिंग का नेशनल स्टेडियम किस नाम से जाना जाता है? द बर्ड्स नेस्ट, परिंदों का घोंसला। कश्मीरियों के साथ आधारित यकजहती के लिए पहली मरतबा 5 फरवरी को कब छुट्टी का ऐलान किया गया था? 1990 में, और इसका ख्याल काजी हसैन अहमद ने दिया था। अफ्रीकन फुटबॉल कप ऑफ नेशंस 2022 किसने जीता है? सेनेगल ने। सेनेगल ने फाइनल में मिस्र को 4-2 से शिकस्त दी है। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर अफजल गुरु को कब फांसी दी गई? 9 फरवरी 2013 को। नावर खतात सादकैन का कब इंतकाल हुआ? 10 फरवरी 1987 को। मशहूर ड्रामा नगार नावल नगार फातिमा सरैया बजिया का इंतकाल कब हुआ? 10 फरवरी 2016 को। समझौता एक्सप्रेस का वाकया कब हुआ? ये ट्रेन पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलाई जाती है। 18 फरवरी 2007 को। सरमाई ओलंपिक्स 2022 में किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते? नॉर्वे ने। चाइना दूसरे और जर्मनी तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा कब किया? 23-25 फरवरी 2022 को। सदर आरफ अलवी ने दी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 पर कब दस्तखत किए? 20 फरवरी 2022 को। याद रहे ये एक्ट पहली दफ़ा 2016 में मुतारफ करवाया गया था। पाकिस्तान में 27 फरवरी का कौन सा दिन मनाया जाता है? सरप्राइज डे। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 2 जंगी जहाज मार गिराए थे और उनके एक पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और दीगर मालूमती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।